हेलो स्टूडेंट, आपका जो है ये विज्ञान डेलिट फोर्थ सेमेस्टर में आज आपका टॉपिक है आवेश। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। तो इसको हम इस प्रकार से जो है वो परिभाषित किया जा सकता है कि किसी तार में एक बिंदु से गुजरने वाले आवेश की प्रति सेकेंड की मात्रा, जबकि धारा 1 एम्पियर रखी जाए तो आवेश की इस मात्रा को 1 कूलाम कहते हैं। इसको आप निम्न सूत्र के द्वारा भी जो है वो समझाया जा सकता है कि विद्युत धारा I बराबर गुजरने वाला आवेश आपका Q है और समय आपका T है। तो Q बराबर I और T, यदि I 1 एम्पियर रखा जाए तथा समय जो है वो सेकंड रखा जाए तो आवेश Q का मान 1 कूलाम होगा, यानी Q बराबर 1 × 1, तो Q बराबर 1A। अब बात आती है विद्युत आवेश की। तो किसी वस्तु की पदार्थ या कण का आवेश, वह प्रकृति से मतलब है कि ग्रहण की गई या जो है वो प्राकृतिक जो है प्राकृतिक है, जिसके कारण ये वैद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न और महसूस जो है वो करता है और महसूस करता है। कुछ प्राकृतिक जो है वो आवेशित कणों के उदाहरण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण आदि। देखा जाए तो आवेश जो है वो एक व्युत्पन्न जो है वो भौतिक राशि है और SI पद्धति में आवेश कूलाम में मापा जाता है। आवेश एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। व्युत्पन्न जो है एक भौतिक राशि है SI पद्धति में जो है वो आवेश कूलाम में मापा जाता है। ये बात हो गई आपकी विद्युत आवेश की। अब इस आवेश की जो है वो कुछ गुण भी होते हैं। आवेश के गुण तो देखा जाए तो आवेश एक अदिश राशि है। आवेश को बीजगणितीय रूप में जोड़ा जाता है और इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता या अधिकता को प्रदर्शित करता है। आवेश आपका दो प्रकार के होते हैं। एक आपका है ऋणात्मक आवेश, पहला है आपका ऋणात्मक आवेश और दूसरा है आपका धनात्मक जो है वो आवेश। दो तरह के आपके जो है वो क्या कहते हैं, दो प्रकार के आपके जो है वो आवेश होते हैं, ऋणात्मक आवेश और जो है आपका धनात्मक आवेश। तो ऋणात्मक जो है आपका जो धनात्मक आवेश है, तो पहले हम बात करते हैं ऋणात्मक आवेश की। तो ऋणात्मक जो आवेशित वस्तु से तात्पर्य इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि यह ऋण जो है आवेशित वस्तु का द्रव्यमान समान धन आवेशित वस्तु का द्रव्यमान उससे अधिक होता है। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत जो है वो प्रकृति के आवेश परस्पर जो है वो आकर्षित होते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि आपका
ऋण आवेशित द्रव्यमान, ऋण आवेशित जो है वो ऋण जो आवेशित आपका जो है वस्तु है, ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान समान धन आवेशित, समान धन आवेशित, समान धन आवेशित वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। तो इसमें हम ये आपका, तो इसमें हमने ये कहा कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश जो है वो परस्पर जो है वो आकर्षित होते हैं। तो ये हो गया आपका ऋणात्मक आवेश। अब बात आती है इसमें आपके धनात्मक आवेश की। तो किसी वस्तु का आवेश एक वस्तु से, आपका जो है धनात्मक का क्या है कि किसी वस्तु का जो आवेश है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का जो स्थानांतरण है वो स्थानांतरण है। और धनात्मक आवेश से तात्पर्य इलेक्ट्रॉनों की हानि से है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता, आपकी जो है धनात्मक आवेश, धनात्मक जो आवेश से आपका तात्पर्य है, से आपका तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनों की जो है वो हानि, इलेक्ट्रॉनों की हानि अर्थात इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता, इलेक्ट्रॉनों की जो है वो न्यूनता। तो ये हो गया आपका ऋण आवेश और हो गया आपका धन आवेश। अब इसी में आता है एक आपका कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम अगर इसका हम सत्यापन करना चाहें, इसका जो है वो सत्यापन अगर हम करना चाहें तो दो बिंदु आवेश हम ले लेते हैं, दो जो है हम बिंदु आवेश लेते हैं Q1 व Q2, दो हमने बिंदु आवेश लिए Q1 व Q2 तथा उनके बीच की दूरी हमने ले ली, तथा उनके बीच की दूरी हमने ले ली R, उनके बीच की दूरी R। तो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, तो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2। ये आप इसको समीकरण दूसरा मान लीजिए। ये बिंदु है आपका, इसको हमने Q1 माना, इसको हमने Q2 माना और इसके बीच की दूरी हमने माना R। तो या F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R² यो हो गया आपका जो है वो
दूसरा समीकरण। तो समीकरण एक तथा समीकरण दो को हल करने पर, जब समीकरण हम एक और दो को हल करते हैं, हल समीकरण एक और समीकरण दो को जब हम हल करते हैं तो f बराबर के q1 q2 अपॉन r2, जहां आपका k बताया हमने, जहां k जो है आपका क्या है, स्थिरांक है, k आपका क्या है, स्थिरांक है, और जिसका मान जो होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, क्योंकि आवेश का हमने आपको बताया मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। तो के आपका स्थिरांक है जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि F बराबर K का मान रख दीजिए 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R2, 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन R T R जो है 2 न्यूटन। तो ये हो गया आपका, अगर सत्यापन करें इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं सत्यापन कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो हमने F बराबर K Q1 Q2, F बराबर A जो है वो जो है इसको आपने ऐसे लिख लिया, और एक F जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R2। तो ये आपके दो जो है इसको हमने F बराबर K और Q1 Q2 अपॉन R2 लिख दिया, उसमें हमने मान लिख दिया आपका, तो F बराबर आपका 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन R2 जो है वो न्यूटन। तो ये हो गया आपका जो है वो, आप चाहें तो इसको समीकरण एक और समीकरण दो बना के भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, फिर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर होगा यहाँ पे, आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर होगा यहाँ पे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर जो है वो K आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा, और F बराबर K की जो K का आपका जो स्थिरांक है उसका मान ये है मान रख के Q1 Q2 अपॉन R2 और न्यूटन आ जाएगा। तो ये हो गया आपका जो है वो कूलाम का जो है वो नियम। तो कूलाम का नियम आपको यही बताता है कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल तथा उनके बीच की दूरी के जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होगा आपका जो है वो कूलाम का नियम। अब इसमें बात आती है आपकी जो है वो विद्युत जो है वो क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, यदि किसी स्थान पर स्थित किसी स्थिर आवेशित कण पर बल लगता है तो कहते हैं कि उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होता है या समय के साथ परिवर्तित हो रहे चुंबकीय क्षेत्र के कारण। विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट सबसे पहले माइकल जो है वो फेराडे ने दिया था। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसका जो क्या कहते हैं जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो है वो माइकल फेराडे ने जो है वो दिया था,
दिया था, और यह एक जो है वो सदिश आपकी जो है वो राशि है, यह आपकी सदिश जो है आपकी राशि होती है। तो ये तो हो गया आपका जो है वो विद्युत क्षेत्र। अब इसमें बात आती है आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है जितने बल का वो अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कहते हैं। अब बात आती है विद्युत विभव की। तो विद्युत विभव क्या है कि किसी इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु पर स्थित इकाई बिंदुवत बिंदुवत स्थाई इकाई जो है वो क्या कहते हैं बिंदुवत धन आवेश में संग्रहित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में जो है संग्रहित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वैद्युत जो है वो स्थितिज ऊर्जा उस बिंदु के विद्युत विभव उस बिंदु के उस बिंदु के जो है वो विद्युत विभव के बराबर होती है। विद्युत विभव को इससे फाई ई या वी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। तो V बराबर W अपॉन Q, जहां पे W आपका ये आपका जो है वो कार्य है, तो V बराबर जूल प्रति कूलाम, और इसका जो है एक और होता है वोल्ट, इसका जो मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलाम या वी बराबर इसको वोल्ट भी कहते हैं। अब बात आती है आवेश के जो है वो कुछ जो है वो सुचालक होते हैं और कुछ जो है वो कुचालक होते हैं। तो आवेश के सुचालक तथा कुचालक, तो बात करते हैं इसमें जो है वो सुचालक की। तो
सुचालक क्या है? कि किसी पदार्थ या वस्तु के विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वह इसके चुंबकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, उसे विद्युत का जो है वो सुचालक कहते हैं। इसका आपका एग्जाम्पल आ जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आ जाएगा आपका, तांबा, लोहा, कॉपर इत्यादि। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कुचालक। कुचालक क्या है? जैसे आपका प्लास्टिक है, लकड़ी है, प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि, ये आपके जो है वो कुचालक हैं, यानी ये पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह में ज्यादा अवरोध उत्पन्न करते हैं, अतः ये कुचालक कहलाते हैं। जैसे पदार्थ को विद्युत धारा के प्रवाह में बहुत ज्यादा अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम अवरोधक भी जो है वो कहलाते हैं। तो ये आपका था, क्या कहते हैं, आवेश के सुचालक और जो है वो कुचालक। और जो है आपके जो है इसमें हमने ये अब जो है आवेशों की जो हमने बात की, विद्युत आवेश की, विद्युत विभव की, विद्युत क्षेत्र की, आवेश के सुचालक, कुचालक और कूलाम के नियम की। तो ये जो आपका टॉपिक था वो यहीं से समाप्त होता है।